चिराग पासवान कुशेश्वर स्थान में है। वो कुशेश्वर स्थान मंदिर में बाबा भोले के दर्शन करने पहुंचे, उन्हें जल अर्पित किया और आशीर्वाद मांगा कि वो आगे राजनीति में और बेहतर से बेहतर काम कर सकें, बिहार का भविष्य सुधार सकें। कुशेश्वर स्थान एक सुरक्षित सीट है, वहाँ उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि वहाँ सिटिंग विधायक शशिभूषण हजारे का कोरोना काल में निधन हुआ और अब उपचुनाव में उनके बेटे अमन हजारे जदयू के उम्मीदवार है। तो वहीं लोजपा से अंजू देवी प्रत्याशी हैं। चिराग पासवान अंजू देवी को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं और कुशेश्वर स्थान के जनसभाओं में चिराग पासवान के समर्थकों की खूब भीड़ जुट रही है। उनका दावा है कि जदयू कुशेश्वर स्थान ही नहीं बल्कि तारापुर भी हारने जा रहा है और तीसरे चौथे स्थान की लड़ाई लड़ रहा है। आगे आप वह पूरा बयान सुनिए जो चिराग पासवान ने कुशेश्वर स्थान में अपने समर्थकों को, जनता को संबोधित करते हुए दिया है। आज कुशेश्वर स्थान के इस पावन धरती पर आकर मेरे लिए, ये मेरे परिवार की भूमि है, मेरे पिताजी, मेरे नेता, मेरे आदर्श स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ननिहाल रहा है। ये मतलब उनके माता जी की जन्म स्थली मेरी दादी। अगर हम लोग के अधिकार क्षेत्र में होता तो मैं अविलंब जो आदेश इस विभाग के द्वारा दिया गया है, अविलंब उस आदेश को मैं वापस लेता। हम लोगों ने निरंतरता में उस विभाग के मंत्री से आग्रह किया है। दुख इस बात का है कि मंत्री भी उसी जाति से आते हैं जिस जाति के लोगों को ये लोग सड़क पर लाने का इन लोगों ने काम किया है। मैंने उस विभाग के मंत्री से आग्रह किया, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, महामहिम राज्यपाल जी से आग्रह किया। अगर जैसा मैंने कहा कि हम लोग के अधिकार क्षेत्र में होता तो अविलंब बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम लोग इस आदेश को वापस लेते। पर आज जो सरकार इस दलित विरोधी आदेश को लेकर आई है, कार्रवाई भी उसी सरकार को करनी है। बच्चों के भविष्य का सवाल है जो आज इस सरकार की वजह से अगर में रखता हूँ। नया सिंबल के साथ पहली बार ये चुनाव करा जा रहा है। आपने जो नया सिंबल लगाया है उससे पहली बार ये चुनाव में अपना प्रत्याशी नीतीश कुमार जी की नीतियाँ पूरी तरीके से बिहार और बिहारी विरोधी नीतियाँ हैं। वही आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी कोई मुख्यमंत्री अगर अपने सरकारी एजेंडे में नली गली को बनाना अगर लिखे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि उस राज्य का विकास कितनी धीमी गति से चल रहा है। जहां दूसरे राज्य दिल्ली बम्बई जैसे आप राज्यों में चले जाइए, वहां पर जब लोग विकास की बात करते हैं तो मेट्रोज की बात करते हैं, मल्टीप्लेक्सेस की बात करते हैं, आईटी सेक्टर्स की बात करते हैं, एमएनसीज की बात करते हैं, वहां पर निवेशकों को बुलाया जाता है। जैसे गुजरात में हम लोग देखते हैं वाइब्रेंट गुजरात, या मध्य प्रदेश में जहाँ दूसरे राज्यों से निवेशकों को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर समिट किया जाता है कि आप हमारे राज्य में आए, आप निवेश करें, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज आपको दिया जाएगा, सुख सुविधाएं आपको दी जाएंगी निवेश करने के लिए। पर वही हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गली गली बनाने की बात कर रहे हैं। आखिरी बार इन्होंने कब निवेशकों को बुलाया था किसी को याद नहीं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियाँ जिस तरीके से हैं, आज भी बिहार में शिक्षा के लिए, यहाँ पर रोजगार के लिए जो पलायन होता है, 2005 में मुझे याद है मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उनका सपना है कि पलायन किए हुए तमाम बिहारियों को वो वापस प्रदेश में लेकर आना चाहते हैं। पिछले 16 साल में वो अपने ही सपने को पूरा नहीं कर पाए और सपना पूरा करना तो दूर, कोरोना काल में उनके पास इतना खूबसूरत मौका था जब तमाम प्रवासी बिहारी वापस आए थे, उस वक्त उनको संजो कर बिहार में रखते। पर इनकी नीतियाँ सबसे बड़ी अड़चन है और मुख्यमंत्री जी की सोच अब थक चुकी है, मुख्यमंत्री जी की सोच अब सैचुरेट हो चुकी है, वो बिहार के विकास की अब सोच नहीं रख पाते, इसीलिए वो जातीय समीकरण साधने में अपना ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो सुना आपने चिराग पासवान को, चिराग पासवान जगह जगह पर जनसभाएं कर रहे हैं और अगले 10 दिनों तक डेरा डाला हुआ है उन दो विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होने हैं। पहले कुशेश्वर स्थान में रहेंगे और उसके बाद तारापुर जाएंगे। आप लाइव बिहार के साथ बने रहें, अपडेट और खबर हम आप तक लगातार लेकर आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।